फिर से एक नया वीडियो आप लोग के लिए। आप लोग देख रहे हैं गिल एंड मारुटी वर्कशॉप ऑथराइज सर्विस स्टेशन। आज हम लोग के पास आया है स्विफ्ट, तो चलिए हम लोग सबसे पहले फुल डिटेल में जान लेते हैं स्विफ्ट का डैमेज साइट। इसका डैमेज साइट बहुत कुछ ख़राब हो गया, इसका दोनों एयरबैग भी खोल गया, फ्रंट साइड का इंजन का तो पता ही नहीं है, मतलब बहुत कुछ ख़राब हो गया। इसका तो जो आपका गियर बॉक्स है वो गियर बॉक्स भी इसका टूट गया था, दोनों एप्रन ख़राब हो गया, फ्रंट ग्लास डैमेज हो गया, एयरबैग दोनों साइड से दोनों निकल गया और बैक साइड का ग्लास जो है ग्लास भी टूट गया इसका। तो इस गाड़ी का पूरा प्रोसेस दिखाएंगे, फुल प्रोसेस दिखाएंगे आप लोग, तो चलिए वीडियो में बने रहे लास्ट तक। स्विफ्ट का जो एप्रोन है, दोनों एप्रोन हम लोग को रिपेयरिंग करना है, चेंज नहीं करना है, नया उसमें बिठाना नहीं है, वही जो पुराना वाला एप्रोन है वही हम लोग को रिपेयरिंग करना है। ये स्विफ्ट का जो राइट साइड का फेंडर है वो फेंडर हम लोग को थोड़ा सा डेंटिंग वो चेंज नहीं करना है, वो डेंटिंग थोड़ा सा रिपेयर करना है, और लेफ्ट साइड का जो फेंडर था वो हम लोग को चेंज करना है। स्विफ्ट का ऑलमोस्ट डेंटिंग सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया, अभी हम लोग को नेक्स्ट सेकेंड स्टेप होगा, इसका आपका इंजन ये बिठाना है हम लोग को, इसके ऊपर इंजन बिठा के गाड़ी को स्टार्ट करना है, उसके बाद कलरिंग प्रोसेस के लिए होगा। तो कलरिंग प्रोसेस के लिए जाने के लिए अभी थोड़ा टाइम है, तो इंजन प्रोसेस पे चलते हैं। जो ये एयरबैग का व्हीकल होता है वो जितना भी डैशबोर्ड है या साइड से कोई फट जाता है या डैशबोर्ड कोई टूट जाता है फट जाता है वो वन टाइम यूज ही होता है, उसके बाद जो नया डैशबोर्ड फिर हम लोग को बिठाना होता है उसको नया प्रोसेस से उसको फिर से अटैच करना होता है। जैसे कि एयरबैग नया बिठाना होगा, उसका ऊपर का पैचिंग भी नया बिठाना होगा, तो हम लोग का जो ये स्विफ्ट का जो एयरबैग है उसमें हम लोग नया बिठाना वाला है और ऊपर का पैचिंग जो है वो भी नया बिठाने वाला है हम लोग इस पर। अगर आप लोग को मेरा ये कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। पैसेंजर सीट एयरबैग जो सेट होता है, पैसेंजर का जो साइड एयरबैग होता है वो तो आप लोग देख लिए, अभी स्टिंग का जो एयरबैग है वो भी हम लोग का अटैच किया जा रहा है अभी। गियर ग्लास क्रैक हो गया था उसमें नया जेल अप्लाई किया जा रहा है अभी, उसके बाद हम लोग को नया ग्लास में बिठाया जाएगा। स्विफ्ट का हम लोग का काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, जैसे कि डेंटिंग सेक्शन कंप्लीट हो गया और मैकेनिकल सेक्शन कंप्लीट हो गया, जो ग्लास पैनल उसमें बिठाना था वो भी कंप्लीट हो गया, एयरबैग का साइड भी कंप्लीट हो गया, जैसे कि डैशबोर्ड साइड कंप्लीट हो गया। अभी कलरिंग प्रोसेस के लिए चलते हैं। कलर प्रोसेस जैसे कि आप लोग को पता ही है, कलरिंग प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया स्विफ्ट का। तो हम लोग का इस स्विफ्ट के ऊपर हम लोग का जो बोनेट है वो फिट किया जा रहा है, उसके बाद बम्पर फिट किया जाएगा। जो स्विफ्ट का फ्रंट बम्पर है वो अलग से असेंबल करना होता है, उसके बाद गाड़ी में असेंबल किया जाता है हम लोग का स्विफ्ट का।
स्विफ्ट का जो प्रोजेक्ट है वो हम लोग का कंप्लीट हो गया, उसके लास्ट हम लोग का ये वेफर लिंक दिखाना है, उसके बाद हम फाइनल शॉट देखेंगे। तो चलिए हम लोग इसका फाइनल शॉट देख लेते हैं एक बार। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।